नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्वेश्चन 5 का हल करेंगे। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। देखिए, भाग एक में दिया हुआ है 1/√7। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अंश और नीचे वालों को हर, यानी हर का परिमेयकरण बोलता है, यानी कि हर को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 1/√7, यानी देखिए अंश और हर दोनों को √7 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ही संख्या से दोनों को गुना कर रहे हैं, यानी एक ही चीज से दोनों को। देखिए √7 और √7 इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1, यानी इसको 1 से गुना कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, देखिए इसको गुना करेंगे तो √7, और ये देखिए √7 × √7 बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये रूट कैसे कैंसिल होता है ये पहले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। तो देखिए 7 क्या है, 7 एक परिमेय संख्या है, तो हर को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेयकरण का मतलब यही होता है। देखिए इसको देखिए p/q के रूप में लिख सकते हैं, और देखिए ये दोनों पूर्णांक है, और क्यू यानी 1 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसके मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी हर को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए 1/√7 − √6, देखिए √7 − √6, देखिए अंश और हर दोनों को इसी से गुना करना, सिर्फ थोड़ा सा अंतर करना है। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस। ठीक है, √7 + √6, देखिए इसको गुना करेंगे 1 से तो वही रह जाएगा, ये मान नहीं बदलेगा। देखिए 1 से गुना करने पर कोई बदलाव नहीं होता है, और देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं √7 + √6। देखिए ब्रैकेट का मतलब है गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ठीक है, यानी इसको गुना करना, तो देखिए एक सूत्र पहले बता चुके हैं, a + b × a − b बराबर क्या होता है, a² − b²। ठीक है, तो इस सूत्र से इसको हल करेंगे, तो देखिए √7 + √6, देखिए √7 यानी इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a² − b² ठीक है। देखिए √7 + √6, देखिए √7 √7 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, पावर देखिए पावर 2 है, मतलब 2 बार गुना करेंगे, ये भी उसी तरह। देखिए √6 × √6 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह √7 + √6/1, या ऐसे भी लिख सकते हैं √7 + √6। देखिए 5/1 लिखें या 5 लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों का मान एक ही है, तो यानी हर का परिमेयकरण करने बोला, ये हो गया हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब देखिए भाग 3 में 1/√5 + √2, उसी तरह इसको भी हल करेंगे, यानी अंश और हर को गुना कर देंगे रूट, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। ठीक है, तो देखिए √5 − √2, 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, और देखिए यहाँ देखिए a + b और देखिए a − b, वही सूत्र से हल करेंगे, यानी a² − b² हो जाएगा। ठीक है, देखिए a + b × a − b बराबर a² − b², देखिए a − b × a + b बराबर a² − b². ठीक है, यानी ये इस पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए a² − b² तो √5
देखिए ये हो जाएगा 5 और ये होगा 2, यानी रूट 5 माइनस रूट 2, 5 में 2 घटाएंगे 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चौथा भाग देखते हैं। 1/√7 माइनस 2, देखिए माइनस है तो इसको भी गुना कर देंगे। देखिए रूट सात प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से गुना करेंगे, इसको काटेंगे, देखिए अगर काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 से गुना कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं होगा इसका मान में। देखिए √7 + 2, उसी तरह देखिए यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है तो ये हो गया √7 + 2 और ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये 7 और ये 2 × 2 = 4। ठीक है तो √7 + 2/3, ठीक है ये हो गया आंसर। ठीक है वीडियो अंत करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले जितने भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं।